हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण के क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी 2018 की सभी शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। ये पार्ट 10वां है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनालॉजी टेस्ट में हमें फर्स्ट टू फिगर में रिलेशन को ढूंढ के सेम रिलेशन का यूज़ करते हुए मिसिंग फिगर को निकालना होता है। तो क्वेश्चन फिगर में ए और बी में देखिए आप क्या रिलेशन है। अंदर जो सिंबल बना हुआ है ये, इसको करना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना है, ठीक है। और फिर बाहर का जो सर्कल है उस एरो के हेड पे ये सर्कल प्लेस कर देना है, ये रिलेशन है, ठीक है। तो सी और डी पे हम लगाएंगे, अंदर जो एरो का निशान है इसको क्या करना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊंगा तो मेरे को इस तरह की शेप मिलेगी, ठीक है। और फिर करना क्या है, ये सर्कल इसके हेड में रख देना है, मतलब यहाँ पर प्लेस करना है। तो ऑप्शन पहला जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप रिलेशन को निकालिए। ट्रायंगल की कितनी साइड है, 3। ये ए फिगर है, ये बी फिगर है, सी फिगर, डी फिगर, ई फिगर और एफ़ फिगर। हमें एफ फिगर निकालना है, ठीक है। अब ए बी सी डी ई को ध्यान से देखिए। अब देखिए ट्रायंगल में 3 साइड, तो बी फिगर भी 3 साइड से मिलके बना है, 1 2 3, मतलब 3 लाइनों से मिलके बना है। सी में जो आकृति है 1 2, वो 2 लाइनों से मिलके बनी है। और डी में जो आकृति है वो भी 2 लाइनों से मिलके बनी है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं दो दो के पेयर बनाऊं तो वे आकृति सेम लाइनों से मिलके बनी है। तो ई और एफ भी सेम नंबर ऑफ लाइन से मिलके बनेगी। तो ई बना हुआ है 5 लाइन से मिलके, तो एफ भी 5 लाइन से मिलके बनेगा। तो ऑप्शन जो तीसरा है इसकी, पहले की आप लाइन देखिए, पहले में 1 2 लाइन है तो पहला तो गलत, दूसरे में 1 2 3 4 तो दूसरा भी गलत, तीसरे फिगर में देखिए ऑप्शन में 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड हैं। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो हमारा सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी में क्या रिलेशन है। ए फिगर में जो स्टार बना हुआ है उसके 5 शीर्ष हैं, 5 शीर्ष हैं, ठीक है। और बी में क्या है, अब इसके कितने शीर्ष हो गए, 6, ठीक है, यानी एक शीर्ष इंक्रीज हो गया, ठीक है, यानी कोने बोल सकते हो। तो सी और डी में भी यही रिलेशन रहेगा। सी में जो ट्रायंगल है उसके कितने शीर्ष हैं, 3, तो एक ही इंक्रीज कर दीजिए, तो 4 कोने किस में होते हैं, चतुर्भुज में। ऑप्शन दूसरा जो है वो हमारा सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में ए पर्सन आकृति, बी सी और डी, डी हमें निकालनी है। अब देखिए ए में जो फिगर है, बाहर जो आकृति है उसकी 4 साइड हैं और अंदर जो आकृति है उसकी 3 साइड हैं, ठीक है। और बी में क्या हुआ, उल्टा हो गया, बाहर जो आकृति है उसकी 3 साइड हैं और अंदर जो आकृति है उसकी 4 साइड हैं, ठीक है। सेम रिलेशन हम सी और डी पे लगाएंगे, बाहर जो आकृति है उसकी 5 साइड हैं, तो अब ये कहाँ हो जाएगी, अंदर। और जो अंदर 6 साइड वाली आकृति है वो कहाँ हो जाएगी, बाहर। तो ऑप्शन जो दूसरा है वो हमारा सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति में ए और बी में रिलेशन देखिए। अब लेफ्ट साइड में ट्रायंगल है और राइट साइड में क्या है, सर्कल, उस सर्कल के अंदर क्रॉस है। बी में क्या हुआ, दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली और ट्रायंगल जो है थोड़ी सी ऊपर हो गई, ठीक है। अब राइट साइड में ट्रायंगल आ गई जो कि थोड़े ऊपर है। तो सी फिगर का यूज़ करके हम डी फिगर निकाल लेंगे। राइट साइड में ये स्क्वेयर है तो ये लेफ्ट में आएगा ऐसे, और लेफ्ट में जो सर्कल था सी में वो राइट में थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो हमारा सही आंसर है। छठा क्वेश्चन है, ए और बी में रिलेशन देखिए। जो कोने में एक सर्कल था वो सेंटर में आके 2 हो गया, और जो सेंटर में 2 स्क्वेयर था वो कोने में जाके 1 हो गया, ठीक है। तो सी और डी में भी यही रिलेशन आएगा।
जो सी के कोने में सर्कल है वो सेंटर में आके दो हो जाएगा इस तरह से, और जो सी में बीच में दो ट्रायंगल है वो कोने में जाके एक ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है ए बी सी और डी। अब ए और बी में क्या रिलेशन है, एक स्क्वेयर को दो बराबर भागों में बांटा गया है ए फिगर में, और ऊपर का भाग काला कर दिया, ठीक है। सेम रिलेशन सी और डी में रहेगा, सी में एक सर्कल था तो सर्कल बनाइए, उसको दो बराबर भागों में बांटिए, और ऊपर का जो पार्ट है उसको क्या करिए, काला कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ए बी सी और डी। अब ए फिगर में देखिए, सबसे पहले मैं एक एरो एरो ले लेता हूँ। ये स्क्वेयर जो है वो तीन के तीन ऑप्शन में बना हुआ है, ए ऑप्शन में भी है ना, ए फिगर में भी है, बी में भी, सी में भी, मतलब प्रश्नाकृति के तीनों फिगर है, तो डी में भी ये होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो एरो ए फिगर में अंदर था उसको क्या किया, 90 डिग्री पे रोटेट करवाया एंटी क्लॉकवाइज, और उसको अब क्या किया, जैसे ही मैं इसको रोटेट करवाऊंगा तो इसकी पोजीशन इस तरह से हो जाएगी, और ये जो अंदर था अब ये कहाँ हो गया, बाहर, अंदर वाला एरो कहाँ चला गया, बाहर, ठीक है। उसी तरह अब दूसरा निशान देखिए ए फिगर में, ये भी एरो है लेकिन इसके एक एंड पे डॉट है, इसको जब मैं 90 डिग्री ही घुमाऊंगा तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, लेकिन ये बाहर था तो अब ये कहाँ प्लेस कर दिया, अंदर की ओर, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे अंदर वाली आकृति बाहर आ गई, और अंदर वाला जो सिंबल था वो बाहर आ गया, और बाहर वाला सिंबल था वो अंदर चला गया। तो सेम रिलेशन सी और डी पे लगाएंगे। सी पे मैं देखता हूँ, सी में जो एरो बाहर है, जब मैं उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो उस एरो की पोजीशन इस तरह से हो जाएगी, चूँकि सी फिगर में ये एरो नीचे है तो डी फिगर में ये, मतलब ये बाहर है तो डी फिगर में ये अंदर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब सी में दूसरे सिंबल की बात करता हूँ, इस सिंबल को जब मैं 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ये सिंबल इस तरह से हो जाएगा हॉरिजेंटल में, ये सी फिगर में अंदर है तो डी में ये कहाँ आएगा, बाहर। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो डी है, तो डी हमारा सही आंसर है। नौवां क्वेश्चन है ए बी सी और डी। अब देखिए ए और बी में क्या रिलेशन है, ए फिगर को 180 डिग्री घुमाने पे हमें बी फिगर मिलेगा, सेम रिलेशन सी और डी पे लगाइए। देख, 180 डिग्री जब घुमाते हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन में घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम ही आएगा, ठीक है। तो उसी तरह सी और डी में क्या रिलेशन रहेगा, सी फिगर को 180 डिग्री घुमाओगे तो आपको इस तरह की शेप मिलेगी, तो हमारा जो ऑप्शन ए है उत्तराकृति में वो हमारा सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, प्रश्नाकृति में ए और बी फिगर को देखिए, ए में जो एस का निशान है उसके फ्री एंड को जोड़ दीजिए इस तरह से, तो हमें बी फिगर मिला। तो सी और डी पे भी ये रिलेशन लगाइए, सी में जो फिगर है उसके फ्री एंड को जोड़िए इस तरह से, तो मुझे जो आकृति मिलेगी जो बी ऑप्शन में दी गई है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू।